जैन मित्रों, आप सभी का अग्निवेद फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक मित्रों तक जो है क्लास का लाभ पहुंच सके। तो आज की जो क्लास होगी, आपको मौर्य वंश के बारे में हम आपको आज की क्लास में मौर्य वंश के बारे में बताएंगे। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मौर्य वंश के बारे में आज हमारी क्लास होगी, मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश का शासन जो है 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक भारत में रहा। तो आइए हम देखते हैं कि मौर्य वंश के बारे में जो महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे। और आपको पता है कि नंद वंश के शासक नंद वंश के शासक घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। और चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश को स्थापित चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कहां की थी, तो आपको बताना है मगध पर। कहां की थी, तो आपको मगध में की थी। और इनके जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, क्योंकि प्रधानमंत्री जब इनको घनानंद को हरा दिए तो चाणक्य को इन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको बताना है चाणक्य कौन थे। तो चाणक्य बताना है, चाणक्य को और क्या कहा जाता है, तो इनको कौटिल्य भी कहा जाता है और इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विष्णुगुप्त। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चाणक्य ने किसको हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, तो आपको बताना है नंद वंश के शासक घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना की थी। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में बहुत ज्यादा मोर पाए जाते थे, इसलिए इनके वंश को मौर्य वंश भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस निकेटर आया था। कौन आया था? सेलुकस निकेटर आया था। सेलुकस निकेटर नहीं आया था, सेलुकस निकेटर का राजदूत आया था। सेलुकस निकेटर का राजदूत राजदूत और राजदूत का नाम क्या था? तो राजदूत का नाम था मेगास्थनीस। क्या था? मेगास्थनीस। मेगास्थनीस आया था। मेगास्थनीस आया था और मेगास्थनीस की पुस्तक पूछा जाता है। तो मेगास्थनीस की पुस्तक जो है, मेगास्थनीस की पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या है? तो मेगास्थनीस की पुस्तक का नाम है मेगास्थनीस की पुस्तक, मेगास्थनीस की पुस्तक। तो आपको बताना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया मेगास्थनीस की पुस्तक का नाम, तो आपको बताना है इंडिका। क्या है? इंडिका है। और मेगास्थनीस किसका राजदूत था? इंडिका। इंडिका थी। और यह जो है सेलुकस निकेटर का राजदूत था। और यहीं पर आप नोट कर लीजिए, चाणक्य की पुस्तक का नाम पूछ लेता है। चाणक्य की पुस्तक का नाम, तो चाणक्य की पुस्तक का नाम आप नोट कर लीजिए। चाणक्य की पुस्तक, चाणक्य की पुस्तक, तो इसकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र है। और इसका विषय क्या है? अर्थशास्त्र का विषय, अर्थशास्त्र का विषय क्या है? तो आपको बताना है, इसका विषय जो है वो है राजनीति। नाम तो इसका है अर्थशास्त्र, लेकिन विषय क्या है? राजनीति से संबंधित है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने बौद्ध भिक्षु भद्रवाह से क्या ली थी? तो आपको बताना है, जैन नहीं, इसको आप बौद्ध, भद्रवाह से शिक्षा ली थी। आगे देखेंगे, इनके बाद जो इनके उत्तराधिकारी हुए उनका नाम है बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में, बिंदुसार ने जो है 298 ईसा पूर्व से ईसा पूर्व तक शासन किया था। इनके बारे में इनका जो है उपनाम पूछा जाता है, बिंदुसार का उपनाम।
तो बिंदुसार का उपनाम जो है क्या था, तो बिंदुसार को अमित्रघार, बिंदुसार को क्या कहा जाता है, बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है, अमित्रघात की उपाधि उपाधि से अपने को विभूषित करता था, अपने को विभूषित करता था, विभूषित करता था। आगे इनके बाद हम लोग अशोक के बारे में बात करेंगे। अशोक महान, अशोक अशोक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अशोक का जो शासन काल है 273 से 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक, 236 ईसा पूर्व तक, नोट कर लीजिएगा। आगे हम अशोक के बारे में बात करेंगे। अशोक के बारे में बात करेंगे तो आइए, अशोक कहा जाता है कि अशोक ने अपने 100 भाइयों की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था। ठीक है, तो अशोक के बारे में हम बात करेंगे। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग पर 261 ईसा पूर्व क्या किया, आक्रमण किया। कब किया, 261 ईसा पूर्व। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब किए थे। तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किए। ठीक है, और कलिंग की राजधानी आपसे पूछ लेता है, कलिंग की राजधानी, तो कलिंग की राजधानी आपको बताना है, कलिंग की राजधानी, कलिंग जो है उड़ीसा में है, कलिंग कहाँ है तो आपको बताना है उड़ीसा में है, और कलिंग की राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी तोसली थी, तोसली। कलिंग की राजधानी क्या थी तो आपको बताना है तोसली थी, यहाँ पर आप राजधानी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा राजधानी। इस युद्ध में लगभग 1.5 लाख जो लोग थे मारे गए थे, और 1 लाख जो लोग थे वो जख्मी हुए थे, और बहुत सारे लोग जो है बंदी बनाए गए थे। अशोक ने जब इस युद्ध मैदान को देखा था तो उनका हृदय क्या हुआ, परिवर्तित हो गया। उसके बाद अशोक ने युद्ध नीति के स्थान पर कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक ने युद्ध नीति को छोड़कर
छोड़कर छोड़कर क्या किया, धम्म नीति को अपना लिया, धम्म नीति को अपना लिया, को अपना लिया। आगे देखते हैं, अशोक कलिंग युद्ध के बाद इसका हृदय जो है परिवर्तित हो गया था। अशोक ने अपने प्रजा को क्या कहा कि अपनी प्रजा को कहा कि धर्म नीति का पालन करो, धर्म पर चलो, युद्ध नीति में। उसके बाद अशोक ने जो है कलिंग युद्ध के बाद ही बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कलिंग युद्ध के बाद युद्ध के बाद क्या किया, तो आपको बताना है बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म क्या करता है, तो अहिंसा में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म को अपना लिया, धर्म को अपना लिया, जिसमें क्या है कि अहिंसा, अहिंसा पर बल दिया जाता है। अहिंसा पर, अहिंसा मतलब होता है जीवों की हत्या न करना, किसी प्रकार को, किसी प्रकार से किसी को चोट ना पहुंचाना। अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो 14 बड़े अभिलेख हैं। अशोक के अभिलेख, अशोक के 14 बड़े अभिलेख हैं, अभिलेख हैं, बड़े अभिलेख हैं। बड़े अभिलेख हैं, नोट करते चलिएगा, जिसमें पहले अभिलेख में पशु बल की निंदा की गई है। पहले अभिलेख में, पहले अभिलेख में अशोक ने अपने पहले अभिलेख में क्या किया है, पशु बल की निंदा की है। अभिलेख में पशु बल की, पशु बलि की क्या की है, निंदा की है, पशु बल की निंदा की है, निंदा की है। आगे अशोक के जो शिलालेख हैं, अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख कौन कौन सी लिपि में लिखे गए हैं, शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, खरोष्ठी, ग्रीक, आर्माइक आदि लिपियों में प्राप्त हुए हैं। आर्माइक आदि लिपियों में क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, आदि लिपियों में प्राप्त हुए हैं, लिपियों में प्राप्त हुए हैं, नोट कर लीजिएगा। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, अशोक के शिलालेख को, शिलालेख मतलब होता है पत्थरों पर लिखा हुआ कोई चीज। शिलालेख को 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने
प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, सफलता प्राप्त की थी, प्राप्त की थी। आगे आपसे पूछा जाता है कि थी कि अशोक के किस शिलालेख में जो है कलिंग के युद्ध का वर्णन है, तो लिखिएगा अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, कलिंग युद्ध का वर्णन है, युद्ध का वर्णन है। आगे इसके बाद हम देखेंगे मौर्योत्तर काल में कुछ विदेशी आक्रमण, मौर्योत्तर काल में कुछ विदेशी आक्रमण जो आपकी अगली हेडिंग होगी, और उसको हम अगले क्लास में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करने से पहले आपसे, आप सभी से गुजारिश करते हैं मित्रों कि आप अगर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक मित्रों तक क्लास का प्राप्त हो सके। तो आगे हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में बात करेंगे, और अशोक को कई सारी उपाधियां दी गई थी, जैसे देवनाप्रिय, दस्सी, ये सारी उपाधियां आपको दी गई थी। और अशोक के शासनकाल में एक चीज और याद करना है कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो है किया गया था अशोक के ही शासनकाल में। ठीक है, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक भी आपको पता होना चाहिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। और अशोक की उपाधि भी नोट कर लीजिएगा, अशोक जो है देवनाप्रियदर्शी, अशोक ने देवनाप्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी, दस्सी की उपाधि धारण की थी। तो आज की क्लास मित्रों हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, इससे पहले पुनः जो है आपसे गुजारिश किया जा रहा है कि आप अधिक से अधिक चैनल को शेयर कर दें ताकि जो है हम सभी का मनोबल बढ़ता रहे, और हम आपके लिए इसी तरह जो है क्लास को रेगुलर लेते रहें। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जय हिंद मित्रों।